जय श्री सीताराम। 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च ये जो समय है, ये जो वक्त है, इसमें शुक्र देवता कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि का शुक्र देवता द्वारा किया गया गोचर आप सभी के लिए क्या प्रभाव लाएगा, कहां पर सौगातें होंगी, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत होंगे, इस बारे में आज के स्टूडियो में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। 7 तारीख को शुक्र देवता कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 तारीख तक इन्होंने कुंभ राशि में ही रहना है और 31 तारीख को ये मीन राशि में चले जाएंगे। हाल फिलहाल 7 तारीख के पहले, 7 मार्च के पहले मकर राशि में शुक्र देवता भी है। शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है कि कुंभ राशि जो है वो शनि देवता की राशि है और शुक्र देवता शनि देवता के अति मित्र ग्रह है और शुक्र देवता माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक है। तो अधिकतर मेरे पास कॉल्स जो आती है ना, मैं कुंडली कंसल्टेशन मुझसे लिया जाता है, उसमें अधिकतर जो बातें होती हैं वो कैरियर को लेकर होती है, वो धन को पैसों को लेकर के होती है, वो प्रेम को लेकर के होती है, शादी को लेकर के होती है। शुक्र देवता इन्हीं सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है शुक्र देवता का राशि परिवर्तन, पूरा देखिएगा। अच्छा, एक बात जरूर से आप ध्यान रखिए कि ये जो भी राशि परिवर्तन होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, मतलब सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, क्योंकि देखो मेष राशि हजारों लाखों लोगों की राशि है। हाँ, तो ये हजारों लाखों लोगों के ऊपर आधारित है, तो राशिफल को तब ज्यादा देखना चाहिए जब हम उस पीरियड में, जैसे ये 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का समय है, ऐसे साप्ताहिक राशिफल होते हैं, ऐसे दैनिक राशिफल होते हैं, ऐसे मासिक राशिफल होते हैं, तो जिस भी राशिफल का जो भी पीरियड है उस पीरियड में यदि हम कोई बड़ा नहीं सोच रहे हैं, कोई नया नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आप राशिफल देखिए, उसमें आपको जैसा बताया गया है वैसा कीजिए। लेकिन यदि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, आप कुछ नया सोच रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका शुक्र देवता का गोचर का राशिफल बताता हूं और इसका भविष्यफल समझाता हूं। मेरे मन में एक बात है, वो बात जुबान तक आ ही रही है तो निकाल ही देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप साप्ताहिक राशिफल जो मैं बताता हूं और दैनिक राशिफल जो मैं बताता हूं, इन दोनों पर आप बहुत प्रेम देते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, इन पर आप बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं, इन पर बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे बताते हैं, मुझे विश्वास दिलाते हैं कि मैंने जो राशिफल आपके लिए दिया है वो आपके ऊपर सटीक बैठा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि के बारे में सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए धन योग बनता हुआ नजर आता है। हाँ जी, धन योग का मतलब क्या हुआ, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। हाँ देखिए, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी, जो भी कार्य करते हैं। जैसे आप गृहिणी हैं, अब गृहिणी को सफलता कैसे मिलती है, अब देखिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप अच्छी तरह से संपन्न करें तो आपकी वाहवाही होती है, तारीफ होती है, वही सफलता है, वाहवाही तारीफ होना सफलता है, उन्नति मिलना सफलता है ना, इसीलिए तो हम काम करते हैं कोई तो। हाँ जी, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, लाभ के योग हैं। ये वक्त लंबे समय से कोई कार्य आपके रुके हुए थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए आया हुआ है। हाँ जी, तो आपके कार्य पूरे होंगे, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट खुद में महसूस करेंगे और ज्यादा
खुश खुद में महसूस करेंगे और ज्यादा उन्नत महसूस करेंगे। और ऑल शुक्र महाराज मेष राशि वालों को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और स्पेशली धन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, नौकरी लगने के योग हैं। यदि आप लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो नौकरी लगने के योग है। नौकरी के लिए यदि ट्राई नहीं कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, हर्ष के योग है, लाभ के योग है, और आपके लिए भी मेष राशि वालों के लिए जैसा मैंने कहा था लाभ के योग है, वृषभ राशि वालों के लिए भी वही बात मैं कहने जा रहा हूं कि लाभ के योग। अब वो जिस भी तरह से आप पढ़ाई लिखाई में बात करें, आप स्वास्थ्य के लाभ की बात करें, जिस भी तरह से आप लाभ की बात करते हैं, तो लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। लाभ के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है। खुश रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सफलता सफलता कैसे मिलती है, तो सफलता जो मिलती है वो आपके कठिन मेहनत से, पहले नंबर पर कठिन मेहनत, सिर्फ कठिन मेहनत से सफलता नहीं मिलती। आप बहुत सारे लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एसपी बनना चाहते हैं, और आप कोटा में जाकर के देखिए या बड़े बड़े जगहों पर जाकर के देखिए, इंस्टीट्यूट में कितने सारे लोग पढ़ाई करते हैं। और मुझे पता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग काबिल लड़के बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां मुझे कॉल करते हैं, अरे सर हमारा लास्ट अटेम्प्ट था और वो भी फेल हो गया, अब क्या करेंगे हम जीवन में, और लिटरली वो काबिल होते हैं। तो यहां पर बात यह है कि पहला हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क तो करना ही है, इसके लिए मैं मना कर ही नहीं सकता हूं। हार्ड वर्क के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, जो सफल हुआ है वो हार्ड वर्क से ही सफल हुआ है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ भी और कुछ चीज है। हार्ड वर्क के साथ है सही दिशा, और वो सही दिशा जो देता है सही अपॉर्चुनिटीज, सही आपका सही क्रम बैठ जाना, जिस समय आप जो कर रहे हैं उस समय वो चीज हो जाना। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरे पास एक कॉपी है, हाँ, तो वो कॉपी में मैं कुछ कुछ चीजें लिख करके रखता हूं, तो मुझे एक टॉपिक जो है, मैं इतनी मोटी कॉपी है, उसमें मैंने अपने जीवन के बहुत सारे ज्योतिष को लेकर के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिख करके रखे हुए हैं। मुझे कॉल आया और एक केस आया, वो केस में ऐसे केस मेरे पास पहले बहुत पहले आया था, बहुत रेयर केस होते हैं, ऐसा केस मेरे पास बहुत पहले आया था, उनको मैंने वो रेमेडी दी थी और उनको बहुत लाभ मिला था। मैंने कहा यार बहुत पहले की बात है, 5-6 महीना हो गया ऐसे केस को, वो रेमेडी मैंने दी थी, वो रेमेडी मैं भूल गया, एग्जैक्ट रेमेडी रेमेडी याद थी लेकिन उसका तरीका मैं भूल गया, विधि भूल गया। तो क्या विधि मैंने बताई थी, देखता हूं। और मैंने बस ऐसा किया, उंगली डाली और बस कॉपी खोली और सामने, मतलब पता नहीं कितने 100 एक पेज पन्ने कुछ जो है वो खुद ही खुद से पलट गए, और मेरे सामने वो रेमेडी और वो पूरा केस लिखा हुआ था। मैंने कहा वाह भाई, मैं सामने वाले की किस्मत कहूं या अपनी किस्मत कहूं मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है भाग्य कि आपने वो देखा और आपको वो चीज मिल गई। तो सही समय पर मैं सही जगह पर था और मुझे सही किस्मत से वो चीज मिल भी गई। और हाँ, मैंने करना तो चाहा उस व्यक्ति की, मैंने तो वो व्यक्ति को कुछ और भी मैं तो रेमेडी दे देता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं इसको वही वाली रेमेडी दूंगा जिस पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है, रेयर रेमेडी है वो, मैंने उसे दी। तो ये जो चीज है ना, ये भाग्य, ये भाग्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। स्थानांतरण के योग हैं, यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो स्थानांतरण होगा। विशेष तौर पर यदि आपकी राशि मिथुन है तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ज्यादा लाभ के योग दिखते हैं। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, इस बीच में इस चीज के लिए मुझे सफलताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है,
यदि आप कोई इंस्टीट्यूट देखने जा रहे हैं या कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य है जो लंबे समय से रुका हुआ था, अटका हुआ था, कुछ नहीं हो पा रहा था, प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, कोई गाइड नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, वो कार्य यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा समय है मिथुन राशि वालों के लिए, ओवरऑल ये समय अच्छा है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंता में हो सकता है, तनाव में हो सकता है ना, ये एक बात जरूर है। माँ या माता समान जो भी स्त्री है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे नानी जी हुई, दादी हुई, मासी हुई, आंटी हुई, माँ भी हुई, तो इनका थोड़ा सा, आपकी सासू माँ हुई, तो इनका जरा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। पेट संबंधी समस्याएं आपको सता सकती है। यदि आपकी राशि कर्क है तो अपने स्टमक का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से, मतलब आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, ये समय बहुत अच्छा है। उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छा समय है। मिथुन राशि, कर्क राशि, कर्क राशि के बारे में बताया था मैंने। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं, लंबे समय से विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के योग है, नए मित्र बनेंगे, नए रिश्तेदार भी आपके बन सकते हैं इस बीच में, कुछ नया खोजेंगे और कुछ नया मिलेगा भी, नई प्लानिंग करेंगे आप, नई योजनाएं बना करके उसे जमीन पर उतारेंगे और जमीन पर उतारते तो सक्सेस भी होंगे, तो खोजिए भी, मेहनत भी कीजिए, नया सोचिए भी, नया प्लान भी कीजिए और सफल होइए, क्योंकि यह वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत अच्छा दिखता है, शानदार, अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से, चाहे दोस्त मित्र रिश्तेदारों के दृष्टिकोण से, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, सारे दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी, हेल्थ आपको तंग कर सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है प्रॉब्लम तो डॉक्टर को दिखाइए। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं वैसे तो बड़ी मतलब अच्छी है, लाभ करवाने वाली है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, लेकिन स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है तो फिर यात्रा ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य की हानि मुझे जरूर दिख रही है। अब भाई हेल्थ इज वेल्थ, बाकी स्वास्थ्य ठीक है तो जिस उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं उस उद्देश्य में आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि आप के साथ पॉलिटिक्स हो या आपको न चाहने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाए। हाँ जी कन्या राशि वालों, आपके साथ ये चीजें हो सकती है, लेकिन ठीक है, वो कोई प्रैक्टिकल आपका बिगाड़ने वाले नहीं है, कोई प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं करेंगे, तो उसको प्रैक्टिकली उसके लेकर के चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण आप कर लेंगे। हाँ जी, आप जो सोचेंगे, देखो बुद्धि से भाग्य का निर्माण मतलब क्या होता है, आप जो प्लान करेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो करेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो प्लान कीजिए, बैठिए मत, प्लान कीजिए, सोचिए, और यदि जीवन में कोई महत्वपूर्ण कुछ आपने सोच कर रखा है कि यार ये मेरा प्लान, मतलब मुझे ये करना है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हो, चाहे वो जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज हो, और आपके दोस्त कह रहे हैं कि चलो यार थोड़ा घूम फिर करके आते हैं, तो मेरा कहना यह है कि उस टूर को कैंसिल कर दीजिए, वहां नुकसान कुछ नहीं है, फायदा वहां पर भी होने वाला है, लेकिन यहां पर जो इतना अच्छा वक्त है कि आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे, तो ऐसे समय को अभी हाल फिलहाल में दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपको नहीं लगाना है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन या जो भी क्षेत्र में आप, लेकिन प्लानिंग कीजिए और मेहनत कीजिए और काम कीजिए। इस समय ये समय घूमने फिरने में मत लगाइए, मैं जानता हूं घूमने फिरने से एंजॉयमेंट मिलता है, हीलिंग होती है, मन और प्रसन्न होता है, बहुत जरूरी है घूमना फिरना,
मैं भी घूमता फिरता हूँ, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। ये वक्त जो है ये मेहनत करने का वक्त है, ये वक्त आपको कुछ दिलाने का वक्त है। तो पॉजिटिव रहिए और प्लानिंग कीजिए, मैं ये कहूंगा बस आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए। डिसीजन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ये मेरी बात का आप ध्यान रखिएगा तुला राशि वालों। हाँ यही एक बात बस कहूंगा आपके राशिफल में मैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं बड़ी सुखद हैं, जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। खर्च ज्यादा होगा, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है, काबू रखना है वृश्चिक राशि वालों। और देखिए खर्च तो ज्यादा होगा मैंने कह दिया, लेकिन वो खर्च कोई वस्तु आप खरीदेंगे उसमें हो सकता है, लेकिन यदि आप निवेश करते हैं है ना, जैसे रिस्की निवेश कर दिया आपने, बिजनेस में निवेश कर दिया, शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, तो वो फायदा करेगा। तो निवेश फायदे करेंगे, कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो वहां लॉस हो सकता है या वहां घाटा हो सकता है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए है ना। चलिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा लगने वाली है, मेहनत ज्यादा लगने वाली है, थोड़ा ना मेंटल प्रेशर ज्यादा लगेगा, तनाव ज्यादा लगेगा, दबाव ज्यादा लगेगा, आपको लगेगा काम बहुत ज्यादा मेरे पास आ गया, वर्किंग लोड बहुत ज्यादा मेरे पास आ गया, लेकिन अंत में लाभ भी मिलेगा। हाँ जी, लाभ के योग हैं, लाभ के संकेत हैं, लाभ भी मिलेगा आपको। तो बिल्कुल निश्चिंत आप रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करिए और निश्चित तौर पर सफलता को देखते हुए मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको सफलताएं भी मिलेंगी, लाभ भी मिलेगा। यात्राओं के बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं जरूर कीजिए, यदि यात्राओं का ऐसा कोई संयोग बन रहा है तो यात्राओं को टालिए मत, यात्राएं कीजिए, क्योंकि उन यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यात्राओं से। हाँ ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। अच्छा समय है, ये वक्त अच्छा है, मेंटल प्रेशर टेंशन दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी पॉजिटिव, प्रैक्टिकल भी बेनिफिट्स देगा, तो अच्छा समय, इसलिए मैं कह रहा हूं। धनु राशि के बाद मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग है, आपका धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। देखिए धन वृद्धि का मतलब क्या होता है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके पास ज्यादा आ सकते हैं, आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक है तो वहां से कोई आपको इजी हो सकता है, ऑफर मिल सकता है, ऐसा कुछ, तो धन में वृद्धि होगी आपकी। हाँ ये मुझे बहुत अच्छा आपके लिए दिखता है। फाइनेंशियल प्लानिंग आप करेंगे और जो फाइनेंशियल प्लानिंग आप करेंगे उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए भी, यदि आप बैठे हुए हैं, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, यदि आप रोजगार देख रहे हैं तो रोजगार के लिए सर्च कीजिए, यदि आप नई नौकरी देख रहे हैं उसके लिए सर्च कीजिए, यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए सर्च कीजिए, मतलब पैसा आने के लिए, पैसा कैसे आए उसके लिए यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो इस समय आपका प्रयास सफल होगा। तो अभी तो हार मान करके बैठना नहीं है। कई बार पता है क्या होता है कि मान के चले आपको आपको किस्मत में ऐसा लिखा है कि 100 दिन के बाद 101 जब दिन आएगा तो उस दिन आपकी सक्सेस होगी, तो 100 दिन तक जो है, 99 दिन तक जो, 95 दिन तक जो है वो व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, मेहनत करता है और फिर ठीक 95 पे आकर के रुक जाता है, 99 पे आकर के रुक जाता है, 100 पर आकर के रुक जाता है, थोड़ा सा और आगे चलता है वो, तो उसको सफलता मिल जाती है। बस आपका ये वही समय है कि लंबे समय से यदि धन, पैसे, इनकम, नौकरी, बिजनेस, क्लाइंट्स कस्टमर्स के लिए प्रयास कर रहे थे तो ये वक्त आपको दिलवाएगा, है ना। तो हार नहीं मानना है, मेहनत करना है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं, आपके लिए भी वही बात कह रहा हूं कि नौकरी लग कर रहे हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, स्विच करना चाहते हैं, स्विच करने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। बिजनेस में भी उन्नति के योग है, भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ने वाली है, और ज्यादा अच्छी और ज्यादा सफलता के साथ आप अपने इस वक्त को एंजॉय करने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा, आप जो डिसीजन लेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें। आपके कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि हेल्थ कहीं ना कहीं डाउन हो सकती है। देखिए
कुंभ राशि में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं, कुंभ राशि में ही शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं या फिर गोचर कर रहे हैं, और इसी की वजह से पूरा राशिफल बन रहा है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। तो आपके लिए धन पैसे भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से तो समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुंभ राशि, कुंभ के बाद में मीन राशि की फाइनली बात करते हैं, और मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग आप बनते हुए नजर आते हैं, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरते हैं, ये एक बात आपके लिए जरूर है, लेकिन इनकम भी होगी, जैसे मैंने कहा खर्चे होंगे, पैसा जाएगा, ठीक है ये मैंने कह दिया, लेकिन पैसा आएगा भी, ये भी एक बात है। तो नौकरी करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, या नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, नौकरी करते हैं वहाँ पर एटमोसफेयर वक्त अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए ये वक्त अच्छा या प्रगति करवाने वाला ही है, आप प्रोफेशनल्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, प्रगति कराने वाला है, है ना। यदि इन्वेस्टमेंट्स कहीं करके रखे थे आपने पहले से शेयर मार्केट में या कहीं, तो वो आपको उन्नति करवाएगा, है ना। आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, खर्चे हो सकते हैं, जैसे आप कोई महंगी वस्तु खरीद, गर्मी का समय आ रहा है तो आप एसी खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, आप कूलर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह, तो जो भी खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं तो थोड़ा जांच पड़ताल कर लें, पूछ लें, ताकि आपको भविष्य में ये ना लगे कि यार ये चीज़ यहाँ पर मुझे 100 की मिल रही थी, मैंने यहाँ से जो है 150 में ले ली, 125 में ले ली, है ना, इस बात को आप ध्यान रखें, ऐसा हो सकता है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको ज़रूरी है, हेल्थ का ध्यान रखिए। यात्राएं आपको नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यात्राएं कीजिए, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, चाहे आपके नौकरी व्यवसाय या प्रोफेशन के क्षेत्र में, तो ठीक है, अच्छा समय है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल बताया, भविष्यफल बताया, शुक्र देवता के राशि परिवर्तन का हाल बताया, शुक्र देवता कुंभ राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं इसका मैंने आपको गोचर का, राशि परिवर्तन का भविष्यफल बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा, जय श्री सीताराम।